आज मैं आपको बिल्कुल शॉर्ट में, बहुत ही छोटे में बताऊंगा एंशेंट हिस्ट्री, प्राचीन इतिहास, भारत का प्राचीन इतिहास, बिल्कुल ही छोटे से। अगर आप इसको देख करके कोई भी बुक, कोई भी नोट्स, कहीं से भी कुछ भी पढ़ेंगे तो आपको एक बार में याद हो सकता है। स्टार्ट करता हूँ मैं। प्राचीन इतिहास, भारत का प्राचीन इतिहास। अगर भारत का प्राचीन इतिहास देखा जाए तो भारत के प्राचीन इतिहास की शुरुआत हड़प्पा काल से होती है, होती और भी पहले से, लेकिन हम लोग हड़प्पा काल से शुरुआत करते हैं। हड़प्पा काल क्या था? सबसे पहले हड़प्पा काल आता है। हड़प्पा काल कब आया था? 3000 BC में। इसको हम लोग इंडस वैली सिविलाइजेशन भी कह सकते हैं। वैसे ये कहना गलत होगा, लेकिन कहा जाता है, बहुत सी किताबों में लिखा हुआ है। 3000 BC में आया था हड़प्पा काल, जिसको हम लोग हड़प्पा काल भी कहा जा सकता है। हड़प्पा पीरियड की खास बात थी, इसका भौगोलिक क्षेत्र बहुत बड़ा था। भौगोलिक क्षेत्र 13 लगभग 13 लाख या फिर 12,99,600 किलोमीटर स्क्वायर में फैला है क्षेत्र, जिसमें कि 3 भाग भारत में थे और 1 भाग बलूचिस्तान पाकिस्तान के पास था। और उसको 3 चरणों में बांटा जा सकता है, आरंभिक हड़प्पा, पूर्ण विकसित हड़प्पा, उत्तर हड़प्पा, जहाँ पे कि हड़प्पा काल का ख़त्म होने लगा। हड़प्पा काल हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। हड़प्पा में सर्वप्रथम उल्लेख जॉल्स मैंसन ने किया 1826 में। इसकी खुदाई हुई थी मोहनजोदड़ो के पास। खुदाई हुई, खुदाई के आधार पर पता चला यहाँ पे कुछ ईंटें निकली हैं, पकी हुई ईंटें निकली हैं। तो हड़प्पा काल इसलिए ही इम्पोर्टेंट कि यहाँ पे एक अच्छी सभ्यता का उल्लेख मिलता है, अच्छी सभ्यता मिलती है देखने के लिए, सुसज्जित समाज था। तो हड़प्पा काल में हम लोग ये देख सकते हैं, यहाँ पे राजतंत्रात्मक व्यवस्था थी। हड़प्पा काल में राजतंत्रात्मक व्यवस्था थी। धौलावीरा में को छोड़ करके कुछ राजधानियों में दुर्ग मिला है, जहाँ से प्रशासनिक भी लगता है देखने में कि प्रशासनिक भी होगा। हड़प्पा काल में देखिए, अगर ये हमारा भारत है तो इस हड़प्पा काल में ये एक त्रिभुजाकार आकृति थी। त्रिभुजाकार आकृति में उत्तरी सीमा मांडा थी, चिनाब नदी के पास जम्मू कश्मीर, पूर्वी सीमा आलमगीरपुर थी, दक्षिणी सीमा दैमाबाद और पश्चिमी सीमा सत्कागंड और दासू नदी के पास बलूचिस्तान थी। हड़प्पा के खोजकर्ता देखा जाए तो दयाराम साहनी है और मोहनजोदड़ो के रखाल दास बनर्जी 1922 में, और दयाराम साहनी 1921 में हड़प्पा। तो हड़प्पा संस्कृति सिंधु भी कहा गया, हड़प्पा भी कहा गया, कांस्य संस्कृति भी कहा गया है। इसका प्रारंभ 3000 BC से होता है, इसका विकसित काल 2500 से 1700 BC होता है। जबकि रेडियो कार्बन डेटिंग से पता चलता है कि 2500 से 1700 BC के आसपास होगा। इसकी प्रमुख विशेषता है नगर नियोजन, और प्रमुख कलाकृतियाँ में कांसे की नर्तिका की मूर्ति है। तो हड़प्पा के बाद पता चलती है यहाँ से कि हड़प्पा में विशिष्ट पुरावस्तु मोहरे भी मिली हैं। सबसे बड़ी अन्नागार मिली है, अन्नागार से पता चलता है कि यहाँ की आर्थिक आर्थिक स्थिति बहुत ही अच्छी होगी। अन्नागार, क्योंकि अगर हम लोग यहाँ पे सरप्लस इकोनॉमी होगी, सरप्लस इकोनॉमी का मतलब होता है कि आने वाले कुछ समय के लिए आपके पास धन है, आप अगर कुछ दिन काम ना करें तो आप खाना खा सकते हैं। बिलो सरप्लस इकोनॉमी मतलब हो गया कि आप जितना आज काम करेंगे उतना ही खाएंगे। तो यहाँ में अन्नागार से पता चलता है कि यहाँ की इकोनॉमी अच्छी थी। यहाँ पे क्लास डिवीज़न था, कास्ट डिवीज़न नहीं था। SC ST OBC के आधार पर डिवीज़न नहीं होता था, शूद्र ब्राह्मण में डिवीज़न नहीं था, बस क्लास डिवीज़न था। तो हम लोगों ने ये देखा बहुत जल्दी से, हड़प्पा पीरियड। अब आते हैं वैदिक संस्कृति, वैदिक काल। वैदिक काल हम लोग दो भागों में बांट सकते हैं। एक बांटेंगे ऋग वैदिक पीरियड, ऋग वैदिक पीरियड, जिसका काल होगा 1500 BC से 1000 BC, और फिर दूसरा भाग होगा पोस्ट ऋग वैदिक पीरियड, मतलब उत्तर वैदिक काल, पोस्ट ऋग वैदिक पीरियड, उत्तर वैदिक काल।
ऋग्वैदिक काल का पीरियड था 1000 BC से 600 BC। दोनों में अंतर क्या था? दोनों में अगर अंतर देखा जाए तो ऋग्वैदिक काल में पशुपालन होता था, यहाँ पे पशुपालन होता था, पशुपालन था, कबीलाई जीवन था, कबीलाई जीवन था, यहाँ पे जन हुआ करते थे, जन जन जो होते थे वो कबीले होते थे, क्योंकि एक कबीला यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ होता था, चलता रहता था, रुकता नहीं था, जन हुआ करते थे। समाज में कर्म कांड नहीं था, कर्म कांड नहीं था, कर्म कांड का अभाव था, नहीं था। ये उन भगवानों को मानते थे जिनका भौतिक स्वरूप होता था, जैसे इंद्र देवता, सूर्य देवता, ये इन भगवानों को मानते थे जो दिखाई पड़ते थे, जो जिनका कुछ भौतिक स्वरूप था, भौतिक अस्तित्व था। यहाँ की व्यवस्था कर्म मूलक थी, कर्म मूलक जो कर्म से आगे बढ़ेंगे। कर्म मूलक मैं आपको दिखाऊं तो कर्म मूलक से ये पता चलता है, ऋग्वेद में सबसे पहले आते हैं, ऋग्वेद में 10 मंडल थे, ऋग्वेद में 10 मंडल थे, 10 में तीसरा मंडल विश्वामित्र ने लिखा था, जिसमें गायत्री मंत्र की उल्लेख मिलता है। उसमें से उन 10ों मंडल में से 2 से 7 मंडल सबसे पुराने थे, और 1, 9 और 10वां मंडल नया था। 9वां मंडल सोमरस था जो नशेबाजों को समर्पित था, और 10वें मंडल में, 10वें मंडल में मिलता है कि कोई भी व्यक्ति जब पैदा होगा तो वो शूद्र पैदा होगा, क्योंकि बच्चा लेटा रहता है, लेटने वाले शूद्र होंगे, बैठ के काम करने वाले वैश्य होंगे, अपने बाजियों का प्रयोग करने वाले क्षत्रिय होंगे, और मुंह से बोल करके ज्ञान देने वाले ब्राह्मण होंगे। तो ये 10वें मंडल में उल्लेख मिलता है, ऋग्वेद के 10वें मंडल में सभी मानव जन्म से शूद्र होंगे और उन्हें यज्ञ के द्वारा द्विज दिया जाएगा। तो यहीं से हमें पता चलता है कि ऋग्वैदिक काल कर्म मूलक था। यहाँ पे पशुपालन होता था तो पशुओं के देवता थे पूषण देवता, पूषण देवता पशुओं के देवता थे। ये पशुओं के देवता थे। यहाँ पे राजा को चुना जाता था, राजा को चुना जाता था, तो राजा का कार्य होता था जनता की रक्षा करना, राजा का चुनाव होता था और राजा का कार्य था जनता की रक्षा करना। जब राजा को चुना जाएगा तो राजा की जनता, राजा जनता की रक्षा करेगा। और यहाँ पे एक पुरानी कहावत बैठती है जो वैदिक काल के लिए बनाई गई थी, नैतिक मूल्यों पर आधारित एक मजबूत इमारत का निर्माण ऋग वैदिक काल में हुआ था। यहाँ पर सरलता ने कठिनाई को ढक लिया था, सरलता ने कठिनाई को ढक लिया था। तो राजा को चुना गया, तो राजा को चुना जाने लगा, राजा जनता की रक्षा करने रक्षा करते थे। और जब हम लोग अगर पोस्ट ऋग्वैदिक पीरियड में आते हैं, उत्तर ऋग्वैदिक काल में, तो जब ऋग्वैदिक काल में जन होते थे वो जन से अब जनपद बने, जनपद, जन से जनपद बने, पशुपालन ने स्थान ले लिया कृषि का, अब कृषि होने लगी। कृषि जब होगी तो एक जगह रुक करके ही होगी, जब एक जगह रुकेंगे तो वहां पे कुछ जन लोग रुकेंगे, और वो जन जहाँ रुके उन्हें जनपद कहा गया। छोटे छोटे जनपद से महाजनपद बना, महाजनपद बने। लोहे का आविष्कार यहीं हुआ था, उत्तर ऋग्वैदिक काल में लोहे का आविष्कार हुआ। अब ये महाजनपद संख्या में 16 थे, महाजनपद संख्या में 16 थे। समाज में कर्मकांड आ चुका था यहाँ पर, जबकि ऋग्वैदिक पीरियड में कर्मकांड नहीं था, पोस्ट ऋग्वैदिक पीरियड में कर्मकांड आ चुका था। कर्मकांड के आते ही बहुत सारे अनेक प्रकार के अंधविश्वास आए, जादू टोना आए,
और जादू टोना अंधविश्वास के कारण महिलाओं में के अधिकार भी छीन लिए गए, महिलाओं के अधिकार भी छीने, महिलाओं की दुर्दशा हुई। तो दिखता है महिलाओं की दुर्दशा ऋग्वैदिक काल, उत्तर ऋग्वैदिक काल से शुरू होती है, उत्तर ऋग्वैदिक काल से, जबकि ऋग्वैदिक काल में महिलाएं पुरुषों के बराबर थीं, महिलाएं पुरुषों के बराबर थीं, और वो महिलाएं पुरुषों के साथ बैठ करके जनेऊ पहन करके यज्ञ करती थीं। तो यहाँ पे महिला पुरुष बराबर थे, जबकि उत्तर ऋग्वैदिक काल में महिला पुरुष बराबर नहीं रहे, महिलाओं के अधिकार छीन लिए गए थे। यहाँ पर जन्म मूलक वर्ण व्यवस्था थी, यहाँ पे कर्म मूलक थी, यहाँ पे जन्म मूलक थी। मतलब ब्राह्मण के घर जन्म लेने वाला ब्राह्मण पैदा होगा, जबकि ऋग्वैदिक काल में क्या था, कर्म मूलक, कर्म से आदमी बढ़ेगा, यहाँ पे जन्म मूलक था। ब्राह्मण के घर पैदा होने वाला ब्राह्मण होगा, शूद्रों के घर पैदा होने वाला शूद्र होगा। इसी कारण शूद्रों में गिरावट आई, शूद्रों में गिरावट आई, गिरावट का मतलब शूद्रों के हाल खराब हुए। जो पूषण देवता यहाँ पशु के देवता थे, वो अब यहाँ पे पूषण देवता शूद्रों के देवता हुए। शूद्रों की इतनी गिरावट आई, शूद्रों के हाल इतने बुरे हुए, जो पूषण देवता शूद्रों के देवता हो चुके थे। यहाँ राजा पीढ़ी दर पीढ़ी होता था, यहाँ पे राजा का चुनाव होता था, यहाँ राजा के घर में राजा पैदा होता था, राजा पीढ़ी दर पीढ़ी हुए, इनको कहा गया राजा वंशानुगत हुए, राजा वंशानुगत हुए। और वंशानुगत होने से इनका कार्य जनता की रक्षा करना कम, अपने सत्ता का, अपने राज्य का विस्तार करना ज्यादा हो गया। तो एक कहावत फिर से आती है कि सत्ता भ्रष्ट करती है और परम सत्ता परम भ्रष्ट करती है। अब तक जो ऋग्वैदिक काल में सरलता ने कठिनाई को ढका था, वो उत्तर वैदिक काल में कठिनाई ने सरलता को ढक लिया था। यहाँ पे कठिनाई आ चुकी थी, अब जरूरत थी एक परिवर्तन की, एक विस्तार की, जो कठिनाई रोके, कठिनाई से सरलता की ओर चले। तो कठिनाई से सरलता की ओर चलने में दो चीज़ें इम्पोर्टेंट आती हैं। सबसे पहले आता है जैन धर्म, माफ करिएगा पहले बौद्ध धर्म, जैन धर्म और बौद्ध धर्म। जैन धर्म और बौद्ध धर्म, जैन धर्म और बौद्ध धर्म का उदय हुआ, जिसे सबसे ज्यादा शूद्रों ने अपनाया। शूद्रों ने इसलिए अपनाया था कि शूद्रों का शोषण हुआ था उत्तर ऋग्वैदिक काल में। इन्होंने कोई भी कास्ट डिवीजन नहीं रखा था, इसलिए इन्होंने सबसे ज्यादा, इनको सबसे ज्यादा शूद्रों ने अपना लिया था। जैन धर्म बौद्ध धर्म को शूद्रों ने सबसे ज्यादा अपनाया। बुद्ध को एशिया का ज्योतिर्पुंज भी कहा गया, बुद्ध को एशिया का ज्योतिर्पुंज भी कहा गया। आते हैं महाजनपद, महाजनपदों का उदय हुआ, महाजनपद का उदय हुआ। महाजनपद मैंने पहले ही बताया था कि महाजनपद संख्या में 16 थे, और सबसे बड़ा क्षेत्र उज्जैनी अवंती था। उज्जैनी अवंती था सबसे बड़ा। और सबसे शक्तिशाली था वो मगध था। मगध के शक्तिशाली होने का कारण वो गंगा और जमुना के दुआब में था। यहाँ पे गंगा थी, यहाँ पे जमुना थी, यमुना थी, गंगा और यमुना के दुआब में मगध था, इसलिए ये शक्तिशाली था। यहाँ पे गंगा जमुना के दुआब की वजह से शक्तिशाली था, क्योंकि यहाँ से कोई आक्रमण नहीं कर पाता था, ये था इसका कारण।
मगध के शक्तिशाली होने का कारण। अगर हम लोग भारत को देखें, अगर हम लोग भारत का नक्शा देखें, तो ये भारत का हिस्सा था ऐसे, ये ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ। तो इस तरफ हिमालय श्रेणी सीरीज थी, इस तरफ समुद्र और बंगाल की खाड़ी थी, इस तरफ अरेबियन सी था, नीचे भी पानी था, और इस तरफ थोड़ी सी रास्ता थी, और यहाँ पे हिंदू कुश पर्वत पड़ता है। हिंदू कुश पर्वत, और यहाँ से छोटा सा दर्रा, एक दर्रा पड़ता है जिसको खेबर दर्रा कहा गया, खेबर दर्रा। ये खेबर दर्रा था, ये भारत था, और बीच में विंध्याचल श्रेणी थी, विंध्याचल श्रेणी थी, ये विंध्याचल श्रेणी थी। तो भारत में जितने भी हमले हुए, प्राचीन भारत में जितने भी हमले हुए, ज़्यादातर उत्तर भारत में हुए। उत्तर भारत में होने का कारण, एकमात्र कारण यही था कि दक्षिण भारत तो पानी से लगा हुआ था, और उत्तर भारत और दक्षिण भारत के बीच विंध्याचल पर्वत माला थी, जिसकी वजह से उत्तर भारत से दक्षिण भारत में आने में परेशानी होती थी। और हिंदू कुश पर्वत के पास खेबर दर्रा था, जहाँ से ही सब हाथी घोड़े लेकर के यहाँ पे भारत में हमला करने आते हैं। हम लोग मगध के उदय में आए थे। मगध के उदय में सबसे पहले हर्यक वंश आते हैं। हर्यक वंश इतना हम लोग के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, बस इतना याद रखना कि हर्यक वंश आता है, जो 543 से 412 ईसा पूर्व तक रहा है BC। हर्यक वंश के बाद, हर्यक वंश में कुछ इम्पोर्टेंट मैं नाम बताता हूँ। बिम्बिसार था, अजात शत्रु था, उदयन थे। उसके बाद आता है शिशुनाग वंश, हर्यक वंश के बाद शिशुनाग वंश। शिशुनाग वंश, इनका काल था 412 से 412 BC से 344 BC, 344 BC शिशुनाग वंश थे। ये अवंती और वत्स को जीतकर मगध के साम्राज्य का अंग बनाया था। इसके बाद नंद वंश आते हैं। नंद वंश है, ये भी हमारे लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। नंद वंश है जो 344 BC से 322 BC तक रहे, और नंद वंश के संस्थापक महापद्म नंद थे। उसे सर्वतंत्रात्मक उग्रसेन भी कहा गया है। इसकी उपाधि एकराट थी, एकराट, इसकी उपाधि एकराट थी। मैं आपको एक बात और बता दूं, भारत में पूर्वी क्षेत्र में जीतने वाले को हम लोग सम्राट कहा जाता था, पश्चिमी क्षेत्र जीतने वाले को स्वराट कहा जाता था, उत्तरी क्षेत्र जीतने वाले को विराट कहा जाता था, और दक्षिणी क्षेत्र जीतने वाले को भोज कहा जाता था। तो महापद्म नंद ने इसी से एकराट की उपाधि ली थी। तो ये वंश अपने लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। इसके बाद आने वाला वंश बहुत इम्पोर्टेंट था, जो था मौर्य वंश में भी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हमारे लिए अशोक होंगे। मौर्य साम्राज्य, मौर्य साम्राज्य, तो मौर्य साम्राज्य बड़ा साम्राज्य था। इसमें भी चंद्रगुप्त मौर्य आए, बिंदुसार आए, अशोक आए। तो इन सब में से हम लोगों के लिए इम्पोर्टेंट अगर देखा जाए तो सबसे पहले चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोक, अशोक। इसमें से लगभग 90% भाग अशोक ने, भारत के लगभग 90% भाग को जीत लिया था। तो सबसे पहले
देख लेते हैं चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में। चंद्रगुप्त मौर्य 323 से 298 ईसा पूर्व का इनका कार्यकाल रहा, 323 से 298 ईसा पूर्व कार्यकाल था। मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य ही कहा गया, चंद्रगुप्त को मौर्य को मौर्य वंश का संस्थापक कहा गया है। चंद्रगुप्त मौर्य की सिकंदर से परिचय सैनिक शिक्षा ग्रहण करते समय तक्षशिला में हुई थी। सिकंदर इन्हीं के कार्यकाल में आए थे। चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य काल के प्रधानमंत्री थे, चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य काल के ही प्रधानमंत्री थे। तीन सौ चार के आसपास सेल्युकस को चंद्रगुप्त ने पराजित किया, सेल्युकस निकेटर को चंद्रगुप्त ने पराजित किया, उसकी पुत्री से विवाह किया और दहेज में हेरात, कांधार, मकरान और काबुल प्राप्त किया। चंद्रगुप्त मौर्य को इतने सारे क्षेत्र प्राप्त हो गया। सेल्युकस ने अपना राजदूत मेगस्थनीज, हाँ ये क्वेश्चन आया, मेगस्थनीज किसके कार्यकाल में आया था, तो मेगस्थनीज चंद्रगुप्त के दरबार में आया था। मेगस्थनीज सेल्युकस ने अपना राजदूत मेगस्थनीज चंद्रगुप्त के दरबार में भेजा। यूनानी लेखक ने उसे पाली प्रोथा नाम से संबोधित किया। चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म को अपना लिया और श्रावण बेलगोला में जैनों की तरह उपवास करके अन्न जल त्याग करके अपना प्राण त्यागता है। फिर बिंदुसार में आते हैं। इनके प्राण त्यागने के बाद बिंदुसार राजा बनते हैं। बिंदुसार के काल में भी चाणक्य प्रधानमंत्री थे, तो चाणक्य हमको मिलते हैं चंद्रगुप्त से और बिंदुसार में भी रहते हैं चाणक्य प्रधानमंत्री थे। बिंदुसार आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। आजीवक संप्रदाय भाग्यवादी होता है, जो भाग्य में विश्वास कर से भाग्य के अर्थात चले। इनको पिलनी के अनुसार, पिलनी इतिहासकार के अनुसार मिस्र के राजा टालेमी द्वितीय फालेडेफस डायनोसिस को बिंदुसार के दरबार भेजा गया। बिंदुसार की उपाधि अमित्रघात, बिंदुसार को अमित्रघात की उपाधि भी प्राप्त है, ये भी क्वेश्चन बहुत बार आया है। अमित्रघात की उपाधि प्राप्त है, इसका मतलब होता है शत्रुओं का वध करने वाला, शत्रुओं का वध करने वाला। इसका और भी नाम है भद्रसार और सिंहसेन। दिव्य दान के अनुसार उत्तरापथ की राजधानी तक्षशिला में विद्रोह के खत्म करने के लिए उसने अपने पुत्र अशोक को भेजा। तारानाथ के अनुसार नेपाल विद्रोह को भी अशोक ने समाप्त किया। तो यहाँ से बिंदुसार का भी चैप्टर खत्म होता है, अब अशोक आता है। ये अशोक अपने लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अशोक का कार्यकाल था 273 BC से 223 BC। अशोक बहुत इम्पोर्टेंट है। एक चीज़ हम लोग देखते हैं कि बिंदुसार मरे थे 298, बिंदुसार 273 में इनकी मृत्यु होती है, 273 में अशोक 273 में आते हैं, लेकिन इनका राज्याभिषेक 269 में होता है। ये जो 4 साल का गैप था, ये 4 साल का गैप क्यों हुआ, मतलब 4 साल बाद ही अशोक ने राज्याभिषेक करवाया, तो उसका कारण ये था अशोक ने कसम खाई थी कि जब तक मैं अपने सारे भाइयों को नहीं मार देता तब तक मैं राज्याभिषेक नहीं करवाऊंगा। तो सिंहली अनुश्रुति के अनुसार अशोक ने अपने 99 भाइयों की हत्या करी थी। उसके बाद 269 BC में अशोक का राज्याभिषेक हुआ। अशोक बहुत ही शक्तिशाली राजा था, इसने लगभग 90% भाग क्षेत्र को जीत लिया था, भारत के 90% भाग को जीता था। शासन के 8वें वर्ष, इसके शासन के 8वें वर्ष में कलिंग का युद्ध होता है, कलिंग का युद्ध अशोक के लिए सबसे बुरा युद्ध साबित होता है। बहुत लोग मारे गए इस युद्ध में, बहुत लोग मारे गए थे। अशोक के कार्यकाल में ही उपगुप्त भारत आता है। उपगुप्त चीनी यात्री था जो बौद्ध धर्म को जानने के लिए भारत आए, और ये निकलते हैं उसी
कलिंग के क्षेत्र से जहाँ पे कलिंग का युद्ध हुआ था, और इसने अपनी पुस्तक में लिखा है कि इस कलिंग के क्षेत्र में कीचड़ ही कीचड़ था, वो कीचड़ जो था वो खून से लथपथ लोगों का कीचड़ था। इसी कारण उस कीचड़ को देख करके अशोक का हृदय परिवर्तन होता है और वो कसम खाता है कि वो अब कभी भी कोई युद्ध नहीं करेगा। और अशोक को उपगुप्त की दीक्षा प्राप्त कर दी। अशोक ने उपगुप्त की दीक्षा प्राप्त करी और अशोक अब बौद्ध धर्म अपना लेता है। अशोक बौद्ध धर्म का अनुयायी बन जाता है। तो देखा जाए तो उपगुप्त आया, उपगुप्त ने दीक्षा दी बौद्ध को, बौद्ध माफ करिएगा, उपगुप्त ने दीक्षा दी अशोक को, अशोक बौद्ध धर्म अपना लेते हैं। और बौद्ध धर्म अपनाने के बाद अब ये बौद्ध का प्रचार प्रसार भी करते हैं। तो अशोक की बेटी थी सुंगमित्र, और एक पुत्र था महेंद्र। अशोक को इन पर ज़्यादा विश्वास था तो इनको भेजा बौद्ध धर्म का प्रचार और प्रसार करने के लिए। बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया गया। देखा जाए तो बौद्ध धर्म इंटरनेशनल है, जिसे अशोक ने ही प्रचार प्रसार करके पूरे विश्व में फैलाया था। जबकि जैन धर्म इंटरनेशनल नहीं है। जैन धर्म इंटरनेशनल ना होने का कारण, एकमात्र कारण यही है कि उसका प्रचार प्रसार ठीक से नहीं किया गया। उसके बाद बहुत से धर्म आते हैं। तो मौर्य साम्राज्य का पतन अशोक के जाने के बाद ही होता है, जबकि अशोक के बाद भी उनके उत्तराधिकारी आए थे, लेकिन वो इतने दमदार नहीं थे जितना कि अशोक था। तो अशोक के बाद भी बहुत सारे यहाँ पे राजा महाराजा आए थे। उससे जैसे कि संगम काल आता है, अशोक काल के बाद संगम काल आता है। संगम काल आया, संगम काल 300 ईसा पूर्व से चालू होता है। और संगम का अर्थ होता है संघ गोष्ठी तथा तमिल कवियों का सम्मेलन। संगम काल होता है संघ गोष्ठी, संगम काल होता है। संगम काल में ही हम लोग को देखने को मिलता है चेल चोल पांडे मिलते हैं, चेर राज्य चोल राज्य पांड राज्य, चेर चोल पांड। तो चेल केरल पुत्र के थे, केरल पुत्र के नाम से चर्चित हुए चेर ये तमिलनाडु में थे, ये केरल के थे, ये तमिलनाडु के थे। जबकि ये मेगस्थनीज इनके बारे में कहता है ये तमिलनाडु के अकेले के बीच के पार्ट के आते हैं। मेगस्थनीज ने इनके बारे में कहा राज्य पर एक औरत का शासन था और राज्य मोतियों के लिए प्रसिद्ध था। ये मोतियों के लिए प्रसिद्ध है, पांड राज्य मोतियों के लिए प्रसिद्ध था। संगम कालीन में जाति विभाजन, जनजाति व्यवस्था थी, ब्राह्मण पुरोहित किसान थे, वैदिक और ब्राह्मण धर्म सर्वाधिक प्रचलन में था। इसी समय विदेशी आक्रमण भी होता है। पहला आक्रमण देखा जाता है भारत पर, प्रथम इसी समय भारत पर प्रथम विदेशी आक्रमण। विदेशी आक्रमण 559 BC से 529 BC के पास हुआ, बीच ईरान के हकमनी वंश के शासक साइरस कुरूस ने किया था। ईरान के हकमनी वंश के शासक साइरस कुरूस कुरूस ने किया था। जबकि ये असफल हो गया था, ये असफल था। जब ये असफल था तो सफल क्या होगा, सफल था सफल आक्रमण दार बाहु 522 से 486 ईसा पूर्व में। प्रथम विदेशी आक्रमण था असफल।
तो सफल आक्रमण यहाँ पे होता है दारबहु 522 486 सिंध नदी के तटवर्ती भूभाग को ईरानी साम्राज्य का 20वां प्रांत बनाया दारबहु, दारा दारबहु ने क्रिया था। इसके बाद इनके बाद शुंग वंश आते हैं, शुंग वंश आएंगे जिनका काल 185 BC 185 BC से 73 BC रहा। शुंग वंश की जानकारी के स्रोत दिव्यान मालविकाग्नि मित्रम ग्रंथ अयोध्या विदिशा से प्राप्त अभिलेख है, यहाँ शुंग वंश की प्राप्ति होती है। अश्वमेध यज्ञ किए जाते थे यहाँ पे। मागभद्र के दरबार में ग्रीक राजदूत हेलियोडोरस रहता था शुंग वंश। इनके बाद कर्ण वंश आता है, कर्ण वंश शुंग वंश के शासक देवभूमि की हत्या करके वासुदेव ने कर्ण वंश की स्थापना की थी, जिसका काल था 73 BC से 28 ईसा पूर्व। इसके बाद सातवाहन वंश आता है, सातवाहन वंश, सातवाहन वंश पुराणों में सातवाहन वंश को आंध्रभृत्य भी कहा गया है, ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, आंध्र भृत्य भी कहा गया है। इनके पूर्वज पहले मौर्य के सामंत थे, इनके पूर्वज पहले मौर्य के सामंत थे, ये क्वेश्चन बहुत बार पीसीएस में आया है कि सातवाहन वंश किसके सामंत थे, तो ये मौर्यों के सामंत थे इनके पूर्वज, मौर्य के सामंत थे। सातवाहन वंश के राजा सत्कर्णी प्रथम था, इसकी उपाधियां अप्रतित चक्र दक्षिणापथपति थे। ये दो अश्वमेध यज्ञ किए, यहाँ पे हाल प्राकृत भाषा में गाथा सप्तशती नामक ग्रंथ की रचना की गई। तो सातवाहन वंश में ही गाथा सप्तशती, सप्तशती नामक ग्रंथ की रचना की गई। यहाँ पर महिलाओं के नाम से मतलब माँ के नाम से यहाँ के राजा अपना नाम जोड़ते थे, जैसे कि वशिष्ठ पुत्र पुलमवी, वशिष्ठी इनका माँ का नाम होगा। सातकर्णी भी, श्री सातकर्णी भी नाम था, जैसे कि मैंने आपको बताया यहाँ पर नाम अपनी माता के नाम से जोड़ा जाता था। इनके बाद और भी वंश आते हैं, इंडो ग्रीक आता है, इंडो ग्रीक मौर्य काल में, इसके बाद इंडो ग्रीक आएंगे, इंडो ग्रीक वंश आते हैं। भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम सफल आक्रमण इंडो ग्रीक डेमेट्रियस ने किया था, इंडो ग्रीक का डेमेट्रियस, डेमेट्रियस सफल आक्रमण था ये। सिंध और पंजाब पर अपना आधिपत्य जमाया, उसकी राजधानी साकाल थी। इनके बाद शक शासक आए, शक शासक आए, कुषाण साम्राज्य आया। तो शक में यहाँ पे हम लेते हैं, हाँ पहले ये बताता हूँ मैं आपको, शक का विवरण पतंजलि के महाभाष्य में मिलता है, शक का विवरण। फिर कुषाण साम्राज्य आता है, साम्राज्य कुषाण साम्राज्य में कनिष्क अपने लिए इम्पोर्टेंट है, कनिष्क 78 ईस्वी से 144 ईस्वी की बात है, यहाँ कनिष्क थे। ये बहुत प्रसिद्ध राजा था, इसकी प्रसिद्धियाँ फेमस थी, और इसने पूर्व में मगध से लेकर के सांची तक का विस्तार कराया, पूर्व के मगध से लेकर के दक्षिण में सांची तक इसका भाग था। कनिष्क साम्राज्य तत्कालीन विश्व में तीन बड़े साम्राज्यों रोम, पार्थिया और चीन के समकक्ष था। कल्हण के अनुसार कश्मीर में कनिष्क पूर्व नगर बसाया गया था, उसने एशिया में खेतान, कासगर, सातवाहन
समरकंद को विजित किया। कनिष्क पेशावर के निकट स्तूप मथुरा में नाग मंदिर। हाँ, कनिष्क का हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, मथुरा का नाग मंदिर, मथुरा का नाग मंदिर कनिष्क ने ही बनवाया था, नाग मंदिर और देवकुल मंदिर भी कनिष्क का ही बनवाया था, कनिष्क का ही था। तो कनिष्क में सबसे अच्छी बात थी, सोने के सर्वाधिक शुद्ध सिक्के जारी किए थे, विदेशी व्यापार उन्नत था, तो अर्थव्यवस्था भी इनकी उन्नत लगती है यहाँ से देख करके। कनिष्क के बाद आता है गुप्त साम्राज्य। जिनका कार्यकाल था 275 से 550 ईस्वी। गुप्त शासक के संस्थापक श्री गुप्त थे, श्री गुप्त संस्थापक थे, श्री गुप्त, श्री गुप्त माना जाता है, श्री गुप्त किसानों से, श्री गुप्त जो थे वो कुषाण के सामंत थे, कुषाणों के सामंत थे श्री गुप्त। और ये अभिलेखों की वंशावली घटोत्कच ने आरंभ की होती है। चंद्रगुप्त प्रथम, यहीं पे आते हैं, चंद्रगुप्त प्रथम प्रथम चंद्रगुप्त प्रथम महाराजाधिराज की उपाधि धारण करता है। लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया। इनके बाद समुद्रगुप्त आते हैं। समुद्रगुप्त को राज्य प्रदान, हरी श्रेणी द्वारा रचित प्रयाग प्रशस्ति में राज्य प्रदान किया जाता है। अशोक के स्तंभ लेख पर अंकित है यह प्रशस्ति, अशोक के स्तंभ लेख पर प्रशस्ति अंकित है। अशोक द्वारा बौद्ध स्तंभ में विभेद रोकने के निर्देश दिए। समुद्रगुप्त के बारे में कहा जाता है, समुद्रगुप्त एक भी युद्ध नहीं हारा, तो इसको भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। समुद्रगुप्त से ज़्यादा इम्पोर्टेंट अपने लिए हैं चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य। गुप्त द्वितीय विक्रमादित्य, इसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की, जिसका कार्यकाल 380 से 415 के आसपास था। मथुरा स्तंभ, लौव स्तंभ, उदयगिरी के दो लेख, गढ़वा सांची से प्राप्त अभिलेख से इसका कार्यकाल पता चलता है। इसके ही कार्यकाल में चीनी यात्री फायान आया था, चीनी यात्री फायान इनके ही कार्यकाल में आया था। फाइयान के अनुसार, मैं आपको बता, चीन यात्री 399 के आसपास आया था, 399 414 फाइयान आया था। तो क्वेश्चन बहुत बार आया है कि फाइयान किसके कार्यकाल में भारत आया था। फाइयान चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के कार्यकाल में भारत आया था, भारत आया। फायान के अनुसार उसके काल में मृत्युदंड नहीं दिया जाता था, उसके स्वर्ण के सिक्के दीनार और चांदी के सिक्के रुपए कहलाते थे। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में नवरत्न थे, विद्वान थे, जैसे कि चंद्रगुप्त द्वितीय के ही काल में नवरत्न थे। नवरत्न में कालिदास, अमर सिंह, धनवरी, बराह मिहिर आदि थे। ये इम्पोर्टेंट थे, कालिदास, अमर सिंह, धनवरी, बारहमीर, इनके ही नवरत्न में शामिल थे। देवी चंद्रगुप्तम नामक नाट्य ग्रंथ में चंद्रगुप्त द्वितीय से पूर्व रामगुप्त नामक शासक का वर्णन किया गया है। इनके बाद चंद्रगुप्त के बाद आता है कुमारगुप्त। कुमारगुप्त हमारे लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। कुमारगुप्त के बाद आते हैं स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त और इनके बाद अवनति काल आता है, जो कि यहाँ से
इसके बाद से स्कंदगुप्त के बाद से स्कंदगुप्त का प्रसिद्ध अभिलेख है जूनागढ़ का होम और गढ़वा का अभिलेख, और स्कंदगुप्त को देश रक्षक भी कहा गया है, स्कंदगुप्त को देश रक्षक भी कहा गया है। तो यहाँ के बाद से देखा जाए तो गुप्त वंश का ह्रास आरंभ हो जाता है और गुप्त वंश खत्म होने लगता है, और गुप्त वंश के खत्म होने से ही हमारा प्राचीन इतिहास खत्म होने लगता है। तो हमारे लिए प्राचीन इतिहास यहीं तक इम्पोर्टेंट है, गुप्त वंश की समाप्ति तक। उसके बाद भी छोटे मोटे वंश आते हैं, वो हमारे लिए इतने इम्पोर्टेंट नहीं। गुर्जर प्रतिहार आएगा, ये सब वंश आते हैं, हर्षवर्धन आएंगे, ये सब आएंगे, तो वो इतना हमारे SSC के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। तो ये बिल्कुल बेसिक सा था, अगर आप इसको समझ करके पढ़ेंगे, कोई भी नोट से पढ़ेंगे, तो आपको समझ में आ जाएगा कि हमारी शुरुआत क्या थी, हमारा प्राचीन भारत में क्या इम्पोर्टेंट है। तो छोटे मोटे वंश में आपको ऐसे ही बता देता हूँ, राष्ट्रकूट वंश आएगा, पाल वंश आएंगे, पल्लव वंश आएंगे, चालुक्य वंश आएंगे, छोटे छोटे वंश हैं, आप कहीं से भी पढ़ सकते हैं। इन सब वंशों के आने से और उनके जाने के बाद चोल वंश आखिरी में आता है, उसके बाद तुर्क आक्रमण होता है। तो ये तुर्क आक्रमण से पहले पहले जो कुछ भी हुआ वो सब प्राचीन भारत था, और तुर्क आक्रमण होते ही हमारा मध्यकालीन भारत स्टार्ट हो जाता है, शुरू हो जाता है। तो तुर्क आक्रमण भारत के एक महत्वपूर्ण घटना है, उसको मैं अपने अगले वीडियो में बताऊंगा। धन्यवाद।